हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का छठा चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द सोल्जर, जिसके राइटर कौन है तो रूपर्ट ब्रूक हैं। और रूपर्ट ब्रूक जो है बहुत हैंडसम थे, ठीक है, हैंडसम के कारण ही जो है उन्हें कहा गया था, WB Yeats जो राइटर हैं उन्होंने कहा था द हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा, ठीक है। अभी इस चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि दोबारा आपको जो है इस चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो, है कि नहीं। देखिए, द सोल्जर जिसके राइटर रूपर्ट ब्रूक, हम लोग इसके चैप्टर के राइटर को कैसे याद किए थे, द सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक, अब ब्रूक मीन्स तोड़ना, सैनिक को कौन तोड़ सकता है, खासकर हमने यहाँ के सैनिक, इंडियन आर्मी के तो कौन तोड़ ही नहीं सकता है, द पावर ऑफ इंडियन आर्मी, है कि नहीं। अब देखिए, हम आपको जो है इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसके राइटर के बारे में कुछ बताएंगे, काहे बताएंगे, तो एग्ज़ाम में जो है राइटर हमें से पूछ दे रहा है ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं, आप देखे भी होंगे सेंटअप एग्ज़ाम में। तो ये जो है पहला राइटर के बारे में, राइटर के नाम का है रूपर्ट ब्रूक, सब कौन जानता है। इसके जन्म जो है 3 अगस्त 1887 को जो है रूपर्ट ब्रूक का जो है जन्म होता है, 3 अगस्त 1887। इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1915 को हो जाती है, युद्ध के दौरान ही हो जाती है, प्रथम वर्ल्ड वार जो हो रहा था ना उसी दौरान, 3 अगस्त 1887 को इनका जन्म होता है, 23 अप्रैल 1915 को देहांत हो जाता है। ये जो है कैसे थे, तो ये जो है इंग्लिश के वो वार पोएट थे, इंग्लिश के एक वार पोएट थे, ठीक है। अब WB Yeats जो है इन्हें क्या कहा था, इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा कहा गया था, ठीक है। देखिए, द हैंडसम यंग मैन, बहुत ही सुंदर थे भी, आप इतवा में फोटो हुआ देखिएगा। उसके बाद इनकी फेमस वर्क जो है द सोल्जर, द डीड, द ओल्ड विक्रेज सबसे फेमस है कि नहीं। पूछेगा द सोल्जर के राइटर कौन है, तो आपको बताना होगा रूपर्ट ब्रूक, है कि नहीं। अब जो है इस कविता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो है एक सोनेट है, ठीक है। अब कहेंगे कि इस कविता में बताया क्या गया है, तो इस कविता में जो रूपर्ट ब्रूक जो सोल्जर थे, एक पोएट और सोल्जर दोनों थे, तो वो जो है अपने देश के जो है इंग्लैंड के थे वो, तो अपने देश के सैनिकों को मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करने के लिए ही जो है उन्होंने लिखा है कि हम अपने सैनिकों को युद्ध के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है इफ़ आई शुड डाई, इफ़ आई शुड डाई, यानी कि यदि मैं मर जाऊँ, इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो सिर्फ मेरे बारे में इतना ही सोचना, बस इतना ही, पहला लाइन के ये है कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में इतना ही सोचना, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरगेन फील्ड, फॉरगेन मीन्स विदेश, फील्ड मतलब कि क्षेत्र, यानी कि विदेश के किसी भी धरती के किसी भी कॉर्नर में मरूं, यानी कोनो कोना में, जो छोटा से छोटा भी कोना हो, That there some corner of a forgotten, यानी विदेश के धरती के किसी भी कोना में मैं मरूं, कॉर्नर पे मरूं, that is for England, वो धरती वो जो है इंग्लैंड की हो जाएगी, ठीक है। सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं कि यदि आप मर गए तो ये मत सोचिएगा कि आपको जो है भूल जाएगा देश, उस जहाँ पे आप मरेंगे वो धरती जो है इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे लेखक जो है कह भी रहा है कि यदि मैं मर जाऊँ तो सिर्फ मेरे बारे में इतना ही सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरगेन फील्ड, यानी विदेश के किसी भी जगह पे मरूँ वो जगह जो है इंग्लैंड का हो जाएगा, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी, वो जगह जो है इंग्लैंड का हो जाएगा, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सीलेड, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे मुझे जो है दफनाया जाएगा, दैट रिच अर्थ, वो धरती जो है
वो धरती जो है अमीर हो जाएगी। अमीर कहने का मतलब उस धरती का भाव जो है बढ़ जाएगा। रिचर डस्ट कौन सी लेड, यानी कि जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, जहाँ पे मैं मरूँगा या जहाँ पे जिस धरती पे मुझे दफनाया जाएगा, उस धरती का जो है वैल्यू बढ़ जाएगा, वो अमीर हो जाएगी। और रिचर डस्ट कौन सी लेड, क्योंकि उस धरती में हमारे शरीर का जो है एक कण होगा, यानी कि मेरे शरीर का खून होगा, जिसके कारण उस धरती की ब्रांड वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, बोर मीन्स यहाँ पे बॉर्न को कहा गया है, ठीक है, बॉर्न मीन्स जन्म लेना है, कि इंग्लैंड ने जो है एक डस्ट अपने आप को कह रहा है कि इंग्लैंड ने जो हमें एक डस्ट के रूप में जन्म दिया, शेप आकार दिया, मेड अवेयर यानी कि हमें बनाया, फिर से सुनिए, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, यानी कि इंग्लैंड ने मुझे जो है जन्म दिया, मुझे आकार दिया, मुझे बनाया, मेड अवेयर, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, उसने मुझे एक फूल के रूप में जो प्यार दिया, हर वे टू रोम, उसने मुझे चलने के लिए रोम रोड रास्ता दिया, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये शरीर जो है इंग्लैंड का है। लेखक जो है अपन देश से इतना ज़्यादा प्रेम कर रहा है कि वो यहाँ पे बता रहा है कि इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड ने मुझे जो है आकार दिया, इंग्लैंड ने ही मुझे बनाया, इंग्लैंड ने मुझे एक फूल के तरह जो है पाला और प्यार दिया, लव, हर वे टू रोम, इंग्लैंड ने मुझे चलने के लिए जो रास्ता दिया, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये शरीर जो है इंग्लैंड का ही है, ठीक है। ब्रेथिंग इंग्लैंड एयर, और इंग्लैंड के हवा से ही जो है मैं सांसें लेता हूँ, इंग्लैंड के हवा से ही जो है मैं सांसें लेता हूँ। वॉशेड बाई द रिवर, इंग्लैंड के नदियाँ ही जो है वो मुझे धोई, वॉशेड मीन्स धोना, इंग्लैंड की नदियाँ ही के द्वारा ही मुझे जो है धोया गया। ब्लेस्ड बाई सन ऑफ होम, इंग्लैंड में जो सूर्य उगता है उसके द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया, ब्लेस्ड, इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा ही मुझे आशीर्वाद दिया गया। एंड थिंक दिस हर्ट, और सोचना कि यह जो दिल है, दिस हर्ट, यह दिल है, ऑल इविल सेड अवे, वो मेरे मरने के बाद मेरे अंदर जितना भी मेरे दिल के अंदर बुराइयां थीं वो समाप्त हो जाएगी। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि और सोचना, जो यह दिल है जिसके अंदर बुराई है, वो तुम्हारे देश के प्रति शहीद होते ही जो है वो सब बुराई जो है ख़त्म हो जाएगी। ऑल इविल सेड अवे। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, पल्स मीन्स धड़कन होता है, इंटरनल माइंड यानी कि दिमाग के अंदर, धड़कन, मेरे धड़कन के साथ मेरे दिमाग में जो इंग्लैंड के द्वारा दी गई जो यादें हैं वो नो लेस, वो कभी समाप्त नहीं होगी। गिव समवेयर बैक द थॉट बाई इंग्लैंड गिवेन, और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ भी जो मुझे दिया गया, थॉट बाई इंग्लैंड गिवेन, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा जो मुझे सोच दिया गया, समवेयर बैक द गिव, यानी कि वो सभी जो है हम इंग्लैंड के लोगों को वापस कर देंगे, बैक कर देंगे, ठीक है। गिव समवेयर बैक द थॉट बाई इंग्लैंड गिवेन, इंग्लैंड के द्वारा जो मुझ में सोचे दी गई वो मैं जो है वो इंग्लैंड के लोगों को वापस कर दूंगा। हर साइट्स एंड साउंड से, और वो जो इंग्लैंड के द्वारा जो मुझे दृश्य देखने को मिला, साइट्स मीन्स दृश्य, एंड जो आवाज़ें सुनने को मिली, साउंड जो सुनने को मिला, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, यानी कि यहाँ पे लेखक यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कहता है, गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवेन, हर साइट्स एंड हर साउंड, यानी इंग्लैंड के द्वारा जो मुझे दृश्य देखने को मिला, जो आवाज़ दिया गया, वो सभी जो है मैं इंग्लैंड के लोगों को वापस कर दूंगा। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, इंग्लैंड ने जो मेरे सपने को जो है पूर्ण किया,
ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, हर दिन जो मेरे सपने को इंग्लैंड ने पूर्ण किया, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और जो हंसी, जो हंसने का कार्य जो था जो मैंने अपने दोस्तों से सीखा, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि जो हंसना था जिस जो हमने अपने दोस्तों से सीखा, एंड जेंटलनेस। तो यहाँ अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए, गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन, हर साइट्स एंड साउंड्स, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के द्वारा जो हमें हंसी सिखाई गई, जो दोस्त हर एक दिन मेरा जो सपना पूरा हुआ, जो हमने दृश्य और आवाज़ें सुनी, जो हमें इंग्लैंड के द्वारा जो सोच दी गई, वो सभी जो मैं इंग्लैंड के लोगों को वापस कर दूंगा ये मरने के बाद। एंड जेंटलनेस इन हर्ट्स एट पीस, और जो जेंटलनेस है, जो जेंटलनेस ये जो है मैं इंग्लैंड के हर एक लोगों में देखता हूँ, इंग्लैंड के हर एक लोगों में जो है जेंटलनेस जो है देखने को मिलता है, अंडर एंड इंग्लिश हिवेन, और मैं मरने के बाद जो हूँ इंग्लिश हिवेन में, यानी कि इंग्लैंड के जो है स्वर्ग में जाऊँगा, ऐसा जो है लेखक कहता है। ठीक है, तो पूरे जो है सोनेट में, ये सोनेट जो है एक प्रकार का, पूछेगा कि द सोल्जर क्या है, तो द सोल्जर जो है एक प्रकार का सोनेट है। ठीक है, तो इस पूरे जो है सोनेट में लेखक ने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए सभी लाइन बोली है कि यदि आप मर जाते हैं तो आप अपने बारे में बुरा नहीं सोचें, क्योंकि जहां भी आप मरेंगे विदेश के किसी भी धरती पे, वो धरती इंग्लैंड के नाम हो जाएगी, और जो जहां जिस धरती पे मरेंगे उस धरती का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपका खून मिला रहेगा, डस्ट होम इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने जो आपको जन्म दिया, जो आकृति दी, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको एक फूल के तरह प्यार किया, उस सभी का जो है, जिसने आपको चलना सिखाया, वो बॉडी जो है इंग्लैंड का ही है, और इंग्लैंड के हवा से ही जो है आप सांस लेते हैं, इंग्लैंड के रिवर ही जो है आपको धोने का काम करती है, इंग्लैंड के सूर्य जो है आपको आशीर्वाद देती है, ये सभी कभी भूलना नहीं है, अपने देश के लिए शहीद होना है, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड, और आप के दिल में जितनी भी बुराइयां हैं आपके शहीद होने के बाद वो सभी ख़त्म हो जाएगी, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, और आपके दिमाग में जो है आपकी धड़कनों के साथ कभी नहीं जाएगी, यानी आपके मरने के साथ नहीं जाएगी, वो कभी भी लेस नहीं होती है। और बाकी आपने समझा है, गिव समवेयर बैक, यानी कि जो इंग्लैंड के द्वारा जो मुझे सोचे दी गई है, जो दृश्य दिखाया गया है, जो आवाज़ें सुनाई गई हैं, जो हमें हर एक दिन जो सपने पूरे किए गए हैं, जो हमने दोस्तों से हंसना सीखा है, वो सभी मैं इंग्लैंड को वापस कर दूंगा, एंड जेंटलनेस इन हर्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लैस इंग्लैंड हिवेन, और मैं इंग्लैंड के सभी लोगों में जो है जेंटलनेस देखता हूँ, और मरने के बाद जो है, यानी आप अपने देश के लिए शहीद होते हैं तो इंग्लैंड के स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा जो है लेखक ने कहा है। तो इस कविता को जो है आप लोगों ने समझा, और हमारे तरीके से हिंदी में तो याद भी हो गई होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जो है सफलता का सबसे जो है मूल मंत्र है। ठीक है, और आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आशा है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है इस पर बहुत बेहतर आएगा। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, शेयर कीजिए, और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।